समझ में आया तो लेना है तो करना वापिस, क्योंकि हम तो मोहब्बत वाले हैं। पूरा हिंदुस्तान फिर के मोहब्बत बांट रहे हैं तो अपनों को कैसे छोड़ेंगे। मोहब्बत वाले हैं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। बस एक बात बोल के बात खत्म कर देता हूँ। बस लोगों ने कहा हम दीन सीखने निकले हैं, तो बोला नमाज में बाजी बात कीजिए। वो नहीं बोले हमारे अमीर साहब। मैं बोला वजू कब टूटता, वो भी नहीं बोले। मैं बोला गुस्ल कब फर्ज होता, नहीं वो भी नहीं बोले। मस्जिद में कब रहना कब नहीं रहना, नहीं वो भी। फिर क्या दिन सीखा नहीं मजाक कर रहा है किन के नाम पे, खिलवाड़ बना लिया गया है दोस्तों। अब आओ मैं दिन सिखाता हूं, समझ में आए तो लो वरना वापिस। जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है अपने पास, मोहब्बत वाली जवाब है। मोहब्बत का सौदा देते हैं, जो मोहब्बत वाला होगा वो सौदा लेके जाएगा, जो जबरदस्ती वाला होगा वो वापिस करके जाएगा। दोस्तों आओ मैं एक मोहब्बत की बात तुम्हें देता हूँ। ये बात मेरे घर की नहीं है, ये बात मेरे बाप दादा की नहीं है, ये वो बात है जो मदीने वाले मुस्तफा ने दी है, जो मदीने वाले आका ने दी है। अरे आओ कुर्बान जाओ मेरे आका की मोहब्बत पर, मेरे आका के करम नवाजी पर, मेरे आका की इनायत और मेहरबानी पर। एक शख्स एक सहाबी मेरे आका की जुबान अक्दस से ये ऐलान सुने कि लोगों आओ, लोगों आओ, तुम्हें जिहाद के लिए आना है, तुम्हें जिहाद के लिए आना है, जिहाद के लिए आ जाओ। जिसके पास जो साजो सामान है वो हथियार लेकर आ जाओ। सहाबाए कराम आ गए, एक सहाबी इस हाल में आए कि रसूल अल्लाह से मुलाकात करना चाहे। घोड़ा भी साथ में था, हथियार भी साथ में थे, नेजे और भाले भी साथ में थे, तलवार भी साथ में थी, पूरी तैयारी करके आए थे। मगर आका ने जैसे ही उनको देखा, वो गैब का इल्म जानने वाले मुस्तफा, वो दिलों का हाल जानने वाले नबी ने पूछा, बताओ बताओ तुम किस लिए आए हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका ऐलान सुनकर जिहाद के लिए आया हूँ, मुसलमानों की तरफ से जिहाद करने आया हूँ। आका ने फरमाया सुनो, क्या तुम्हारे माँ बाप घर में है? कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप घर में है। हुजूर ने पूछा क्या वो बूढ़े हैं? बोले जी हाँ या रसूल अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप है। आका ने फरमाया जाओ वापिस चले जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। ये बात मोहब्बत की है, ये पैगाम मोहब्बत है दोस्तों। नबी ने कहा माँ बाप की खिदमत जिहाद से बढ़कर है। अरे एक तरफ नबी ने जिहाद को आने नहीं दिया, आए हुए को घर को लौटा दिया, बोले जाओ यही जिहाद है, बल्कि जिहाद से बढ़कर आए। फिर मैं पूछता हूँ आज मैं 40-40 दिन जाने वाले नौजवानों से, चार चार महीने अपना मोहल्ला अपना गांव अपना करिया अपना शहर छोड़ने वालों से, क्या तुम्हारे ऊपर नबी की यह हदीस साजिर नहीं आती? क्या नबी पाक ने सिर्फ सहाबी को दर्श दिया, उम्मत को दर्श नहीं दिया? फिर बात करें कि फातिहा का मसला आया, पूछा हदीस में कहाँ है? ज़कात का मसला आया, पूछा हदीस में कहाँ है? सलाम की बात आई तो पूछे हदीस में कहाँ है? फिर ये जो हदीस में इसके ऊपर अमल कई गुने करता, मेरे बड़े भाई जो हदीस में है उसके ऊपर अमल नहीं करता, जो नीये कहाँ है पूछते जाता जैसा अमल करने वाला है। मेरे भाई अल्लाह के वक्त से आज मुसलमान को जरूरत है, दीन को समझो, दीन को समझो। माँ बाप को छोड़कर जाने का नाम दीन नहीं है, बीवी को कसमा कुर्सी में छोड़ के 40-40 दिन गायब हो जाने का नाम दीन नहीं है। अब एक आखिरी बात सुनाता हूँ इस ताल्लुक से, वरना मैं अपने मौजू पर लौट कर आऊ। एक आखिरी बात सुन लो, हक और ईमान से बताओ, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बताओ। फातिहा दिए तो पूछे हदीस में कहा है, कुरान में कहा है? सलाम पढ़े तो पूछे कुरान में कहा है, हदीस में कहा है? दरगाह को गए तो पूछे कि कुरान हदीस में कहा है? झंडा चढ़ाए तो पूछे कि कुरान हदीस में कहा है? हम पूछे मियां ना झंडा चढ़ाना फर्ज है, ना सलाम फर्ज है, ना फातिहा फर्ज है, ना दरगाह फर्ज है, ना कुछ। ये तो हमारी अकीदत है, ये हमारी अकीदत है। अकीदत को कुरान हदीस में कैसा पूछ सकते भाई? आप पूछ सकते भाई? दूल्हा बैठा हुआ है वलीमे के टेबल पे, वलीमे की चेयर पे, फूला वाला पहन लिया,
2000 आदमी सामने बैठे हुए हैं, 12 किस्म का मुरब्बा कहवाए, 2 किस्म की बिरयानी, 3 किस्म का मीठा। बाजू बैठ के दोस्त पूछा, इतना भयानक पका दिया, 2000 आदमी को बुलाया, हदीस में कहा है, कुरान में कहा है? नहीं, इन्हें जरा दृढ़ होशियार था, वहां भी पूछ लिया। भाई बोले नहीं पूछता, मैं नहीं बहुत सतना कुछ भी कर सकता है, पूछ लिया। दूल्हा क्या करा, 2-4 दोस्तों को लगा, इधर इसको लेके जाके अंदर कमरे में बंद करके तीसरे हुक्म तक दियो। क्यों? मैं इसको दावत हदीस पूछने दिया, आख खा जा बोल के दिया। यहाँ कहीं कोई हदीस ना पुराना याद कर लेते बेटा, वही माँ मेरा पैसे मेरे भाई तेरा आप जा। क्या लगाया ये, मेरा रब मुझे दे रहा है, मैं मेरे बयासी मेरे भाइयों को खिला रहा हूँ, अल्लाह के बंदों को खिला रहा हूँ, तेरे को अब कहीं कोई याद आई हदीस पुरान? हाँ पर ईमान से बोलो मेरे भाई, अपने मसले पूरे हल कर लेते लोग, हदीस पुरान नहीं होना, पूछे सो वाले की पिटाई करने को तैयार हैं। अरे तो नबी की फातिहा पे हदीस कुरान क्यों पूछता है दीवाने? वो मोहब्बत वालों की अकीदत है। हम फातिहा इसलिए नहीं देते कि ये फर्ज है, हम सलाम इसलिए नहीं पढ़ते कि ये वाजिब है। सुन ले चाहिए आज के बाद सवाल मत कर, हम फातिहा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गुलामों का आका सुनता है। अजीब और गरीब कौन पैदा हुई हमारी अकीदत पे हदीस कुरान का है पूछा। मैं बोला तू 40 दिन का गया महल्ला छोड़ के, 4-4 महीने तू माँ बाप बीवी बच्चे दोस्तों को छोड़ के चला गया, ये कुरान हदीस में कहा है लाके बता। अरे मेरी 5 मिनट की फातिहा को तो कुरान में ढूंढता और खुद के 40 दिन को लाइट ले लेता। बोलो ना जी, सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? तू मेरे 10 मिनट के सलाम को कुरान हदीस में टटोल टटोल के मुसलमानों का मुर्दा निकालता और तू 4-4 महीने भाग गया तो चलता, वो कुरान हदीस में नहीं होना। जरा बोलो ना जी भाई, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई? अरे मेरी 5 मिनट को तू जो है कुरान में ढूंढने वाले, मैं अल्लाह के वली को वली उल्लाह बोलकर तारुफ कराने वाले कुरान से पढ़कर मैं वली उल्लाह की जियारत को पहुंचा तो तू जियारत कहाँ है कुरान में पूछता? और तू भगोना लेके चप्पा चप्पा धरती धरती मारते फिरा तो मैं कुरान हदीस को पूछू? आइंदा तू जब तक कुरान में नहीं बताया जमात में जाना नहीं, आई तो जमात को रोक लो जी, हदीस में बताए तो छोड़ना। कब तक मेरे भाई, कब तक यारो ये? छोड़ो मेरे भाई अल्लाह के वास्ते। हाँ समझो मेरे भाई, दीन समझदारी का नाम है यारो। अपने को आप दूसरों को तू कब तक बोलेंगे मेरे भाई? आ जाओ मेरे भाई अल्लाह के वास्ते, वो जामे मोहब्बत पी लो जिसको पीकर कोई अबू बकर सिद्दीक हो गया, जिसको पीकर कोई आदिलों का सरदार उमर इब्ने खत्ताब हो गया, जिसको पिया तो कोई हैदर कर्रार हो गया, जिस जामे मोहब्बत को पिया तो कोई इमाम हुसैन हो गया, जिस जामे मोहब्बत को पिया तो कोई बगदाद का शहंशाह औलिया का सरदार हुआ, जिस कोई जामे मोहब्बत पिया तो सारे वलियों का सुल्तान गरीबों का दाता आजम वहीदुद्दीन चिश्ती हिंदन हो गया। आज उस जामे मोहब्बत को पीने की जरूरत है, तो हम मोहब्बत वाले लोग कोने पे जरा बोले, जरा जोर से बोले, मोहब्बत वाले लोग हैं मेरे भाई। जबरदस्ती का सौदा हमारे पास है ही नहीं, जबरदस्ती का सौदा हमारे पास नहीं है, और खुदा की कसम 1400 साल से यही मोहब्बत बांट रहे हैं और कयामत की दुआ तक बांटते रहेंगे।